वेलकम टू माय चैनल क्लास सिक्स के लिए ग्रामर सब्जेक्ट लेके आए चैप्टर सेंटेंसेस। ओके, अभी आपने तो सेंटेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसका थोड़ा डिटेल्स में सिखाने वाली हूँ विद द बेसिक्स। ओके, आप शायद भूल भी गए होंगे क्या है, फिर भी याद दिलाने के लिए एक बार एक क्लास एक एक्सप्लेनेशन हो जाए। ओके, अब पहले मैं एग्जाम्पल के स्टार्ट करूंगी। अब मैं लिखूंगी इसमें इन द क्लासरूम दे आर। ओके, ये अभी मैंने सेंटेंस लिख दिया इन द क्लासरूम दे आर। ओके, आप यहाँ पे में क्या है, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। इज इट द प्रॉपर सेंटेंस? नो। You see that this group of words do not make any sense. ये कुछ बन नहीं रही। In the classroom दिया क्या है, एक sense वगैरह का sentence है। Okay, अगर हम अभी मैं इसके नीचे ऐसा लिख दूंगी they are in the classroom, अब क्या ये proper sense है? Yes, ये प्रॉपर सेंस है और कंप्लीट सेंस है। ओके, तब इसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक एक जो ग्रुप होती है वर्ड्स के, वो एक साथ हम उसको मिलाते हैं, लेकिन उसका सेंस मीनिंगफुल होनी चाहिए, तब वो जाके सेंटेंस बनते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, I buy a new dress, I want to. Okay, अब ये भी proper sentence है? नहीं, ये proper sentence नहीं है। Proper sentence लाने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें ऐसा लिखना चाहिए कि I want to buy a new ड्रेस। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये जो देखो अभी फर्स्ट वाला सेंटेंस, मैंने ये जो दो सेंटेंस बनाया है इन द क्लासरूम दे आर आ बाय न्यू ड्रेस आई वांट टू, ये दोनों कंप्लीट सेंस नहीं है, मीनिंगफुल नहीं बन रहे। तो उसमें मैंने क्या लिखा, अभी मीनिंगफुल बनाने दे आर इन द क्लासरूम आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, ये है मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहे। ओके, तो वो चीज को बोलते हैं सेंटेंसेस। समझ में आ गया? अब आपको तीन चार पॉइंट्स इसमें याद रखना है। सेंटेंसेस में क्या क्या तीन चार पॉइंट्स ये डिफाइन के अलावा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल पे शुरू होती है और एंड विद द फुल स्टॉप। अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप होगी, या तो अगर क्वेश्चन बेस्ड होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेटरी बेस हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ओके, इसके डिटेल्स पे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। अभी आप लोगों को इतना पता चला, फर्स्ट ये क्या है, बिगनिंग में कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड सेंटेंस ऐसा है, इसमें सेकेंड पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, हर एक सेंटेंस में वर्ब होनी चाहिए। अब देखो यहाँ दे आर ये वर्ब बन गया, आई वॉन्ट वर्ब बन गया है। ओके, तो हर एक सेंटेंस में वर्ब की जरूरत होता है। सेंटेंस में क्या क्या जरूरत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज हमें जरूरत है। ओके, तो ये चीज याद रखने का कि हर एक सेंटेंस में वर्ब की जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये हमें समझना चाहिए कि हमें जो भी सेंटेंस अभी मीनिंगफुल नहीं दिया है तो वर्ड्स को प्रॉपर करो, प्लेस इट इन अ प्रॉपर वे, तब जाके वो सेंटेंस बनते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैपिटल लेटर होता है, बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, एंड्स विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेकेंड पॉइंट, हमें हर सेंटेंसेस पे प्रॉपर वेस में वर्ड्स को प्रॉपरली प्लेस करना चाहिए, तो ही उसमें सेंटेंसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है, क्या वर्ब होनी चाहिए, हर एक सेंटेंस में अपना वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब क्या है, एक्शन, डूइंग वर्ड्स। ओके, वो होनी चाहिए।
तो ही सेंटेंस पूरा कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया ये? अभी मैं एक दो एग्जांपल देने वाली हूँ, ऐसे आई डोंट वांट टू से एग्जांपल, दिस इज फॉर द एक्सरसाइजेस। ओके, अभी यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम रीडिंग, आई बुक ए, ये एक वर्ड सेंटेंस हो गया। वीक अ डेज सेवन, वीक अ डेज हैज सेवन। ओके, देन राइसेस द ईस्ट, rises the east sun in the, okay, ये भी लिखा है। अब देखो ये तीन सेंटेंस में आपको क्या करना है। I am reading, I book का अभी प्रॉपर वे पे सेंट वर्ड्स नहीं दिया है, तो हमको हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपरली हमें प्लेस करना है। ओके, द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस आर प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, तभी यहाँ मैं क्या लिखूंगी। फर्स्ट में आई एम रीडिंग, आई बुक अ, क्या लिखेंगे बच्चे इसमें, क्या कैसे करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पे कैसे लिखेंगे, वीक अ डे हैज सेवन, इसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अ वीक हैज, a week has 7 days. अब थर्ड पे rises the sun in the sun rises in the east. Okay, ये एक exercise था। अब बाकी के आप लोग अपने आप कर लोगे। ये इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा, और अगर जिसने भी मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियोस मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।